Hello kids, welcome to our online classes. I am Mrs. Nehal More and today we are going to learn chapter 5th from our knowledge tree book and the name of the chapter Good Habits. I repeat again, GOOD, Good, HABITS, Habits, Good Habits. So let's learn what are good habits. Before studying good habits, let me tell you what are habits. यानी कि habits का मतलब क्या होता है? Habit is something that we do every day without being told. इसका मतलब हमारी आदत, किसी ने भी नहीं कहा फिर भी हम लोग वो चीज़ करते हैं, मतलब कि वो हमारी habit है, वो हमारी आदत है. इसलिए habit is something that we do every day without being told. We must develop good habits. तो हमारी आदतें कैसे होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए, good होनी चाहिए, right? So, such as कैसी कैसी आदतें होनी चाहिए? Respecting elders, बड़ों का आदर करना चाहिए, speaking the truth, हमेशा सच बोलना चाहिए, और etc. ओके, और ये सब आदतें हमें अपने डेली लाइफ में हेल्प करती है. तो चलो देखते हैं कौन कौन सी गुड हैबिट्स होते हैं. सी नाउ, लेट्स लर्न सम गुड हैबिट्स. नाउ विच इज़ द फर्स्ट गुड हैबिट्स? कैन यू सी अ ब्यूटिफुल पिक्चर ओवर हियर? सी, अ बॉय इज शेयरिंग एन एप्पल विद अ ब्यूटिफुल गर्ल ओवर देयर, राइट? सो शेयरिंग इज अ वेरी गुड habit. We must always share our toys, we must always share our chocolates, books, everything with our friends, family, younger or elder brother, sister, सबके साथ हमारी जो toys रहती है, books रहती है, chocolates रहती है, हमें क्या करना है? Share करना है. Okay, next, और क्या है? Respect, मतलब कि आदर करना है हम लोगों को, बड़ों का, छोटों का, ग्रैंड पेरेंट्स का, पेरेंट्स का, रिलेटिव्स का, टीचर्स का, फ्रेंड्स का, सबका क्या करना है? रिस्पेक्ट करना है. ओके, नेक्स्ट. यस, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बाथिंग. आप हर रोज़ नहाते हो ना, सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड habit. Can you see a boy enjoying while bathing? So you must also enjoy bathing every day. Okay, next, helping. This is also very important, helping. See, can you see a boy crying? Why is crying? Because he has fallen from a cycle. Wo cycle se gir gaya hai, isliye wo ro raha hai. Yes, so see the boy, his friend is helping him to stand up. So this is helping. हमें एक दूसरों की help करनी चाहिए. That is also a good habit. Next कौन सा है? Brushing. This is very very important. Every day, twice, that is in the morning and before going to bed, हमें दो बार ब्रश करना है, सुबह और बेड और सोने से पहले. ओके, ब्रशिंग इज ऑल्सो अ गुड हैबिट. नेक्स्ट, ऑनेस्टी. हमेशा सच बोलना है, टेलिंग द ट्रूथ. कभी भी झूठ नहीं बोलना है. वी शुड ऑलवेज स्पीक ट्रूथ विथ आवर पेरेंट्स, विथ आवर टीचर्स, विथ आवर फ्रेंड्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, एवरीवन. कभी भी झूठ नहीं बोलना है. टेलिंग द ट्रूथ इज अ गुड हैबिट. ओके, नेक्स्ट कौन सा है? मिक्सिंग विथ अदर्स. दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. हमें हमेशा सब लोगों के साथ मिक्स होना है, सब लोगों के साथ इकट्ठा खेलना है. आप बच्चों क्या करते हैं? यू विल टेक अ मोबाइल, मोबाइल लेके एक कोने में बैठ जाते हो, किसी के साथ बात नहीं करते, किसी के साथ खेलते नहीं हो. दिस शुड नॉट हैपन. यू शुड मिक्स विथ एवरी वन, यू शुड एन्जॉय द कंपनी ऑफ एवरी वन. ओके, सो मिक्सिंग विथ एवरी वन इज़ ऑल्सो अ गुड हैबिट. सबके साथ अच्छी अच्छी बातें करनी है, सबके साथ एन्जॉय करना है. ओके, ना कि कोने में बैठ के एक अकेले ही खेलना है.
नेक्स्ट प्रेइंग, हर रोज हम स्कूल में तो प्रेयर करते हैं, बराबर है ना। तो अभी स्कूल चालू नहीं है तभी भी हमें हर रोज घर पे भी क्या करना है, प्रे करना है। यू शुड थैंक द गॉड फॉर गिविंग सच अ ब्यूटिफुल डे। रोज सोने से पहले और सुबह हमें क्या करना है, प्रे करना है, गॉड को थैंक यू कहना है। सो प्रेइंग इज ऑल्सो अ गुड हैबिट। अभी कौन सी है, क्लेनलीनेस, स्वच्छता। सी कैन यू सी अ बॉय ओवर हियर, उसके हाथ में क्या है, ब्रूम और डस्टबिन है, बराबर। ही इज क्लीनिंग, हमें साफ सफाई हमेशा रखनी चाहिए अपने कबर्ड की, अपने घर की, अपने स्कूल की, क्लासरूम की। हमेशा हमें क्या करनी है, साफ सफाई करनी है, स्वच्छ रखना है। सो क्लीनलीनेस इज ऑल्सो अ गुड हैबिट। ओके, नेक्स्ट क्या है, मैनर्स। अगर आपको याद रहेगा तो हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा है, राइट, कौन कौन से मैनर्स रहते हैं, गुड मैनर्स रहते हैं। कम ऑन, रिमेंबर एंड टेल मी, आई हैव टॉट यू 3 मैनर्स, विच आर दे, यस, सॉरी, थैंक यू एंड प्लीज, यू शुड ऑलवेज ओबे दोज मैनर्स। ओके, नेक्स्ट, अभी ये एक्सरसाइज जो है आपके बुक में ऑलरेडी दी गई है। ओके, सो वी विल जस्ट ट्राई सॉल्विंग दिस एक्सरसाइज। फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, व्हाइल प्लेइंग सी द पिक्चर, ऑब्जर्व द पिक्चर। व्हाइल प्लेइंग टीना फेल डाउन एंड कुड नॉट गेट अप। राजू ऑफर्ड हिज हैंड टू टीना टू हेल्प हर। व्हाट हैपेंड, दीज टू, टीना एंड राजू आर प्लेइंग, और क्या होता है, टीना गिर जाती है, टीना फेल्स डाउन एंड राजू इज ऑफरिंग हिज हैंड, तो अपना हाथ देता है उसको उठाने के लिए। तो वो कौन सी गुड हैबिट हो गई, HELPING, हेल्पिंग। सो दिस इज विच गुड हैबिट, हेल्पिंग। ओके, अभी सेकेंड करेंगे। नेक्स्ट, रोहित इज रीडिंग अ बुक। रोहित के पास एक अच्छी बुक है एंड ही इज रीडिंग इट। ही अलाउड मारिया टू रीड इट अलॉन्ग विथ हिम। तो उसने अपनी बुक क्या की, मारिया के साथ शेयर की। तो वो कौन सी गुड हैबिट हो गई, शेयरिंग, SHARING, शेयरिंग। ओके, सो शेयरिंग इज ऑल्सो अ गुड हैबिट। ओके, नेक्स्ट, ऑब्जर्व द पिक्चर। अरुण टेक्स अ बाथ एवरी डे। अरुण इज टेकिंग अ बाथ एवरी डे। तो कौन सी गुड हैबिट हो गई वो बच्चों, कम ऑन टेल मी, विच इज दैट गुड हैबिट, इट्स बाथिंग, BATHING। ओके, नेक्स्ट, जेसी क्लीन्स हर टीथ ट्वाइस अ डे। आई हैव टोल्ड यू ब्रशिंग इज ऑल्सो अ गुड हैबिट, एवरी डे वी हैव टू ब्रश ट्वाइस अ डे, दैट इज अर्ली इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड। सो ब्रशिंग इज अगेन अ गुड हैबिट, BRUSH, ब्रश, ING, ब्रशिंग। ओके, नेक्स्ट, अनिल टुक स्कूल नोट्स फ्रॉम राज। ओके, अनिल ने क्या किया, स्कूल से नोटबुक, अनिल ने रात से अपनी नोटबुक ली। तो सो व्हाट शुड ही से, ही सेज थैंक यू। अनिल टुक स्कूल नोट्स फ्रॉम राज एंड सेड थैंक यू। तो फिर वो क्या हो गए, गुड मैनर्स हो गए। सो मैनर्स इज ऑल्सो अ गुड हैबिट। ओके, अनिल ने क्या बोला राज को, थैंक यू बोला, सो इट्स अ गुड मैनर्स, सो अगेन इट्स अ गुड हैबिट। नेक्स्ट, सैंडी ऑलवेज कीप्स हर हाउस क्लीन एंड टाइडी। सैंडी हमेशा अपना घर कैसे रखती है, क्लीन और टाइडी। तो फिर वो क्या हो गई, CLEAN, क्लीन, LINESS, क्लीनलीनेस, दिस इज क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस इज ऑल्सो अ गुड हैबिट। ओके, नेक्स्ट, अनूप रिमेंबर्स गॉड डेली एंड थैंक हिम। अनूप प्रेज रेगुलरली, डेली ही रिमेंबर्स द गॉड एंड प्रेज टू हिम। सो अगेन PRAYING, प्रेइंग इज ऑल्सो अ गुड हैबिट। नेक्स्ट,
सैंड्रा नेवर शाउट्स एट द एल्डर्स. सैंड्रा कभी भी ऊंचे आवाज में अपने एल्डर्स के साथ, मतलब कि अपने से बड़े लोगों के साथ, कभी भी ऊंचे आवाज़ में बात नहीं करती है. शी इज़ वेरी वेरी पोलाइट. दैट मीन्स शी इज़ रिस्पेक्टिंग द एल्डर्स. सो रिस्पेक्ट इज़ ऑल्सो अ गुड हैबिट. RESPECT. रिस्पेक्ट. रिस्पेक्ट इज़ ऑल्सो अ गुड हैबिट. नेक्स्ट, सीमा टॉक्स एंड प्लेज विथ हर फ्रेंड्स. सीमा क्या करती है, अपने दोस्तों के साथ बहुत प्यार से खेलती है. शी नेवर फाइट्स विद देम. शी मिक्सेस विद देम ईजीली. सो मिक्सिंग विथ अदर्स इज ऑल्सो अ गुड हैबिट. ओके. एंड सैम टोल हिज फादर दैट हिज टीचर वॉज एंग्री विथ हिम इन क्लास. सैम ने क्या किया है, अपने घर जाकर अपने पापा को बोला है दैट माई टीचर स्कोल्डेड मी टूडे. दैट मीन्स ही स्पीकिंग द ट्रूथ. स्पीकिंग ट्रूथ इज ऑल्सो अ गुड हैबिट. ओके. सो यू शुड ऑल्सो ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. नेक्स्ट अभी देखेंगे, ये सब आपके बुक में, पिक्चर्स भी मैंने बुक में से ही लिए. आपको बुक में, नॉलेज ट्री के बुक में वो कंप्लीट करना है. ओके. Now, question B. I will read it for you. Draw an arrow towards the happy smiley for every good habit and an arrow towards the sad smiley for every bad habit. अगर good habit रहेगी तो आपको good happy smiley की तरफ क्या करना है, arrow draw करना है. और अगर bad रहेगी तो कहाँ पर line draw करनी है, सैड स्माइली की तरफ. ओके. नाउ फर्स्ट हैबिट, शेयरिंग थिंग्स विथ अदर्स. हम लोगों को शेयरिंग इज़ अ गुड हैबिट और नॉट? येस इट इज़. सो हमें क्या करना है, शेयरिंग थिंग्स विथ अदर्स कहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, हैप्पी स्माइली की तरफ. ओके. नेक्स्ट वन, बीइंग रूड टू फ्रेंड्स. फ्रेंड्स के साथ रूड हुए, मतलब कि उनसे अच्छी तरह से बात नहीं की, ये गुड हैबिट है और बैड हैबिट है? येस इट्स अ बैड हैबिट. तो हमें क्या करना है, सैड स्माइली के तरफ लाइन ड्रॉ करनी है. ओके. नेक्स्ट, थ्रोइंग वेस्ट इन द डस्टबिन. कचरा हमेशा डस्टबिन में डालना है. येस इट्स अ गुड हैबिट. सो अगेन वी विल ड्रॉ अ लाइन टूवर्ड्स दी हैप्पी स्माइली. सेइंग सॉरी इफ़ यू आर रॉन्ग. हम अगर गलती करते हैं तो हमें हमेशा सॉरी बोलना चाहिए. तो ये तो गुड हैबिट है, इसीलिए हमें क्या करना है, हैप्पी स्माइली के तरफ लाइन ड्रॉ करनी है. नेक्स्ट, ब्लेमिंग अदर्स फॉर योर मिस्टेक. आपकी गलती है और आप दूसरों को ब्लेम कर रहे हो तो ये तो बैड हैबिट है. सो यू विल ड्रॉ अ लाइन टूवर्ड्स दी सैड स्माइली. नेक्स्ट, थ्रोइंग एन ऑरेंज पील ऑन द ग्राउंड. क्या कर रहे हो आप, ग्राउंड पे कचरा कर रहे हो, मतलब कि ऑरेंज पील ग्राउंड पे, रोड पे थ्रो कर रहे हो, तो ये तो बैड हैबिट है, इजंट इट? सो यू विल ड्रॉ अ लाइन टूवर्ड्स दी सैड स्माइली. एंड द लास्ट वन, ग्रीटिंग एवरीवन विद अ स्माइल. ग्रीटिंग एवरीवन विद अ स्माइल इज़ अ वेरी गुड हैबिट. सबको स्माइल के साथ ग्रीट करना, इट्स अ वेरी गुड हैबिट. सो क्या करना है आपको, यहाँ से कहाँ लाइन ड्रॉ करनी है, हैप्पी स्माइली के तरफ. ओके. सो यू विल कम्प्लीट दिस एक्सरसाइज एंड ऑल्सो यू विल कम्प्लीट जो एक्टिविटी बुक में है, पेज नंबर 15 पे जो एक्टिविटी आपके बुक में दी गई है, वो आपके पेरेंट्स के हेल्प के साथ आपको कंप्लीट करनी है. दिस इज़ द होमवर्क. ओके. आई होप यू हैव एन्जॉयड वॉचिंग द वीडियोज एंड यू विल ऑल्सो फॉलो एंड ओबे वॉट एवर गुड हैबिट्स वी हैव लर्नड. सो विच गुड हैबिट्स वी हैव लर्नड टूडे, दैट इज शेयरिंग, रिस्पेक्ट, bathing, helping, brushing, speaking the truth, mixing with others, praying, cleanliness, manners, these are all good habits and good children always obey and follow good habits. So you all are good children, right? So from today onwards you will follow all these good habits. I hope everything is clear and I end this session today. Have a nice day, children. Complete your books. Thank you.
Bye.